कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में आज कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय तिलक भवन से लेकर पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ता रोष स्वरूप डीएम कार्यालय तक पहुंचे। डीएम को इस बात का ज्ञापन नहीं गया कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल व डीजल के दामों में घटा देखने को मिल रही है, पर देश व प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के दामों में कोई भी कमी नहीं आ रही है। और बीते दिनों जहां ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाने पर आरोप भी लगे हैं। यह आरोप कांग्रेसियों ने मीडिया के मुखातिब होते हुए लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि खा गए प्याज पी गए तेल, यह देखो मोदी का खेल। वही जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने मीडिया को बताया कि बढ़ते दामों व किसान विरोधी मानसिकताओं से केंद्र व सूबे की सरकार काम कर रही है। यही नहीं, डीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। रायबरेली से सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज हम लोगों ने डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर के और जो अभी ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों का, उनके वो मुआवजा दिलाने के संबंध में आज हमने ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल के मूल्य काफ़ी बढ़े हुए थे, उसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा था। आज की स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम बहुत कम हो गया है, लगभग 2.5 गुना कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी डीजल 65 रुपये के करीब बिक रहा है, पेट्रोल 72-74 रुपये बिक रहा है। तो हम इस सरकार के माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है और जिलाधिकारी जी के माध्यम से इनसे आस्था विश्वास के साथ ये हमने अपेक्षा किया है कि हम लोगों की मांगें पूरा करेंगी ताकि इस गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके। मांगे नहीं पूरी होंगे तो आगे क्या करेगी कांग्रेस कमेटी? अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन जो गरीबों का हक है, महंगाई जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम लोग हर तरह से प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। अभी तक क्या कांग्रेस का जो किसान है जिनको नुकसान हुआ उसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ी है या कोई कदम उठाए है? हम अभी आप लोगों जानते होंगे कि 6 फरवरी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक किसान जन जागरण का कार्यक्रम शुरू किया था। हम तमाम लोग, हमारे तमाम कांग्रेस के लोग रायबरेली जनपद में घर घर गए, किसानों के गांव-गांव गए, उन किसानों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना। तमाम किसानों ने बताया कि हम किसी ने बताया कि हम आवारा जानवरों से परेशान है, किसी ने बताया कि नहरों में पानी नहीं आता है, किसी ने बताया कि हम धान की फसल को हम बेच नहीं पाए हैं, हम औने पौने दाम में धान बेचा है, तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। तो हम इन समस्याओं को लगातार कांग्रेस लड़ रही है और किसानों की समस्याओं को हम लोग हरदम उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.